लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में केवल 10 दिन बचे हैं। राजनीतिक दल वोट जीतने के लिए पूरे भारत में कई रैलियां कर रहे हैं। 9 अप्रैल को चेन्नई में रोड शो करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, के अन्नामलाई, एपी मुरुगानंदमम, के वसंत राजन और अन्य के लिए प्रचार करे। प्रधानमंत्री ने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने डीएमके पर जमकर निशाना साधा और उस पर एक परिवार की कंपनी बनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डीएमके की पारिवारिक राजनीति के कारण तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। पीएम ने कहा, तमिलनाडु के लिए एक विकसित भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी राजनीति में फंसा कर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक परिवार की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की पारिवारिक राजनीति की वजह से तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। साथियों, तमिलनाडु के लिए एक डेवलप भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है।